केजरीवाल का डॉक्टर का, हाँ डॉक्टर का, हाँ डॉक्टर का, हम तो महाराज जी के कान से भाई असगम बिल्कुल निश्चित दाब दिया नेताजी की, इसमें अहम भूमिका। उसके बाद रामविलास शर्मा बहुत पावरफुल बने, उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पहुँचने पे युवाओं ने जो स्वागत किया और आज की सभा में जिस तरह से हिस्सेदारी मातृशक्ति ने ली है, बुजुर्गों ने ली है, इससे ये तो साफ होता है कि पिछले राजनीतिक सफर में यानी कि लंबे 41 वर्ष की राजनीति में जो लोगों के साथ यहाँ व्यवहार हुआ है, जिस तरह की अनदेखी हुई है, जिस तरह का अभाव रखा गया है, उससे लोग निराश हैं और बदलाव करना चाहते हैं। और आज अगर विकल्प के रूप में पूरे देश के अंदर और हरियाणा के अंदर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विकल्प के रूप में लगातार उभर के सामने आ रही है, जनता के बीच में जा रही है, जनता के लिए आवाज उठा रही है, सड़कों पर संघर्ष कर रही है। तो आज यहाँ की सभा में भी मैंने देखा कि सब ने पूरे समर्थन के साथ ये कहा है कि आगे बदलाव की राजनीति के साथ, काम की राजनीति के साथ चलेंगे। आज स्थानीय नेताओं पर भी आप अपने भाषण में कटाक्ष मारते होने के लिए। देखिए स्थानीय नेताओं का ही कारण है कि आज इस इलाके में जो अभाव है, पूरे के पूरे 22 जिलों में अगर सबसे पिछड़ा जिला है तो महेंद्रगढ़ जिला है। 90 की 90 विधानसभाओं में अगर कोई विधानसभा आखिरी पायदान पर खड़ी होती है विकास के मामले में तो महेंद्रगढ़ है। और 41 साल से लगातार अगर नेता प्रतिनिधित्व में है तो फिर पूरी की पूरी जिम्मेदारी उनको जाती है, उनकी मंशा को जाती है, उनकी नीयत को जाती है। तो साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि उनकी नीयत नहीं रही यहाँ काम करने के लिए। सरकारों में रहते हुए, बड़े बड़े पदों पे रहते हुए, इस इलाके के वोट की ताकत से आपको बहुत कुछ मिला है, बदले में अगर मूलभूत सुविधाएं भी इस इलाके को देते तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पाए। जी परिवार जोड़ो अभियान जो आज रिवासा में था, इस प्रकार से आज ये किन किन गाँव में होने वाला? देखिए ये लगभग हमारे यहाँ जो 106 गांव और 15 वार्ड है, पूरी विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता पदाधिकारी साथी गांव-गांव जाके परिवार जोड़ो अभियान चला रहे हैं। आगे की प्रक्रिया, अभी तक हम लोगों ने लगभग 11 गांव में परिवार जोड़ो अभियान चलाया है। वहां पे एक 21 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनाई जा रही है आम आदमी पार्टी की, और बड़ी आसानी से लोग आज आम आदमी पार्टी के कामों को देखते हुए दिल्ली और पंजाब के आम आदमी पार्टी से जुड़ते हैं और झंडा उठाने को तैयार होते, कमेटी के सदस्य बनने को तैयार होते हैं। अभी जैसे एक बड़े नेता ने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, तो उस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, टाइगर अभी जिंदा है। और पहली बात तो चलिए ठीक है, उन्होंने तुलना अगर की है एक जानवर से, लेकिन जब वो जिंदा है तो टाइगर की भी एक खूबी होती है, अगर वो जंगल के अंदर जिंदा होता है तो फिर उसको देखने के लिए लोग 2,500 5,000 रुपए तक भी खर्च करते हैं, लेकिन जब वो पिंजरे में जिंदा होता है तो 10 रुपए में भी उसके दर्शन कर लिए जाते हैं। तो आज जो हमारा टाइगर है वो पिंजरे के अंदर जिंदा है और मात्र 10 रुपए खर्च कर आप उसके दर्शन कर सकते हो, ऐसा हमारा टाइगर। बहुत अच्छा लग रहा है, हम जा रहे थे तो मेरे खुद का भी गाँव में ये अनुराग डांडा जी आए थे और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, यूथ अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो देखिए उनके काम तो बहुत अलग है बाकी सरकारों से, तो उन पर लोगों को विश्वास है इसलिए लोग हमसे जुड़ रहे हैं। कैसा रहेगा अभी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी से घर घर जा रही है, लोगों से मिल रहे हैं? यूँ समझ लिए कि कल एक था तो आज 2 है और अगले दिन 4 है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राम राम, किसो प्रोग्राम था आज? बहुत बढ़िया लगे, बढ़िया लगे ये प्रोग्राम तो? बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम, तो भाई वाला भी उठो डालिया अदा उसी से ये बात गई तब रे सकूल सरकारी हो जाएगा, सकूल की बात बता, हां सकूल की रोड बढ़िया बनेगा अदा हो जाएगा पिछले होन। अच्छा भैया बात, अरे भाई घर की टांग भी कोना टूट टूट पड़ जा, इसे बढ़िया काम करो, गरीब बगबाड़ा कित पड़ ले मालिक घर का डाला भी खोल ले, सरकार सफल होगा तो भाई बढ़िया पावर सरकार बनवा दे। बढ़िया काम रिपोर्ट आएगा इसी आएगा इसी को, केजरीवाल से केस है, केजरीवाल भगवान भगवान साथ ऐसी बात किया। ठीक है भाई, आए न देनी चाहिए।
मेरा नाम सुनील यादव है, गांव रिवासा। आज हमारे बीच में डॉक्टर मनीष यादव जी आम आदमी पार्टी से पहुंचे, पूरे गांव ने पूरे जोश शोर से उनका स्वागत किया। हर बच्चे, महिला, युवा सभी इन पार्टियों से तंग आकर और आम आदमी पार्टी का जो दामन थाम रही है उससे हमें इस बात का विश्वास है कि अब की बार जो परिवर्तन आएगा वो कंफर्म परिवर्तन आना है, क्योंकि दान सिंह और रामविलास शर्मा से लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं। 45 साल की राजनीति में गांव के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। राजदान सिंह को हमने ऐतिहासिक जीत दिलाई, 98% वोट आज तक किसी ने नहीं दिया, गांव रिवासा ने दिया। गांव रिवासा इतिहास बनाता है और अब की बार इतिहास बनाने के लिए तैयार है। डॉक्टर मनीष यादव को ऐतिहासिक जीत दिला के हम रिवासा गांव को एक ऐसा मजबूत सतम बना के देंगे तो डॉक्टर साहब को पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर युवा इस बात को सोचता है कि आप आए हैं, हमारा विजन है, हम ये करेंगे। इनके पास कोई विजन नहीं है, कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास, हम क्या करेंगे। इनको कुछ नहीं पता है कि हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, कुछ नहीं पता। ये ना बताते, ना करते, ना बात। हम करते हैं काम की राजनीति। हम हर बात कहते हैं एक मौका केजरीवाल को, एक मौका हमें मिलेगा, दोबारा उस पार्टी में जाने का मौका मिलेगा नहीं। काम इतना कर देते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, महिलाओं के लिए इतना काम कर देते हैं। हर व्यक्ति, हर युवा आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव है। 90% वोट आप दिए बता रहे हैं, बिल्कुल। तो क्या काम वाम कुछ नहीं, कुछ काम नहीं किया। हमारे गांव रिवासा ये हालात है, हम गांव से अगर जाए शहर के अंदर हमारे पास रास्ता नहीं। आप आए या तो जाए पुल के उस पार, या अंडर पास पे जाएंगे पानी भरा मिलेगा, या जाएंगे माजरा के पास, इतने हालात इतने खराब होते हैं पेशेंट का, हमारे पास रास्ता नहीं है। आज माजरा गाँव इतना सक्षम हो रहा है, आज पाएगा इतना सक्षम हो रहा है, रिवासा गाँव बिल्कुल नीचे दाब दिया। नेताजी की इसमें अहम भूमिका, उसके बाद रामविलास शर्मा बहुत पावरफुल बने, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये हम हर बार कहते हैं इनको कि हमारे रिवासा गांव ने आपके लिए इतना किया, आपने क्या किया। हमारा उनके पास कोई जवाब नहीं, बस 5-4 उसके आसपास रहते हैं, उसे बातें करने नहीं देते। अब लोगों को समझ में आएगा, युवाओं को समझ में आए, महिलाओं को समझ में आएगी, ये कुछ करने वाले नहीं है। अब करने वालों को बात करेंगे ना, उस पे वोट देंगे, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। आम आदमी पार्टी करेगी काम, जो आप बता, बिल्कुल साहब करेगी। हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर करेगी, क्योंकि पंजाब में हम कर रहे हैं, एक साल से पंजाब के अंदर हम कर रहे हैं, और पिछले 2-7 साल 8 साल से जो दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, ये सभी को पता है। इतने काम जो वादे किए हैं आम आदमी पार्टी ही पूरा कर सकती है, अन्यथा कोई पार्टी पूरा नहीं कर सकती। हम जो काम दिल्ली में हुआ वो काम